अभी जो हमने रिजल्ट आपको बताया उसी पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बनाइए, आपसे बिल्कुल ये क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो मैंने अभी आपको जो दो आइडेंटिटीज बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी पे ये सारे क्वेश्चन थे, उसी पे ये जितने भी रिजल्ट आए उसी पे थे सारे। अब एक दूसरा आइडेंटिटीज बताता हूं और उस आइडेंटिटीज में हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे यूज करेंगे उसे मैं बताता हूं। तो थर्ड जो आइडेंटिटी है हमारा वो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन इसमें किस तरह दिया रहेंगे, क्वेश्चन आपका इस तरह दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ ए प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू माइनस 22। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी तो पहले से मैं गिवन है ना, एक ही रिजल्ट निकालना है क्या, ए माइनस बी। अगर हमने ए बाय माइनस बी निकाला तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल जाएगा। अब ए माइनस बी किससे निकालना है, हमने बताया आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर माइनस है तो माइनस 4ab होगा और अगर प्लस है तो प्लस 4ab होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो यहां प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 4ab करना है, इसे ध्यान रखना है आपको। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस 22। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ये माइनस यहां पे माइनस है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा आपका 88, दोनों को ऐड कीजिए 81 कितना आ जाएगा आपका 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 169 आ गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 169। तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 169 का वैल्यू 13 होता है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 13, प्लस माइनस 13। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पहले से गिवन है 9 और ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 117, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दो वैल्यू होगा, पहला वैल्यू होगा प्लस यानी 117 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, माइनस 117। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बताया। अब इस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं जो आपको बना के लाने हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको मैं देता हूं उस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 2। ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है 4 और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, इसमें आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें भी सेम वही है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ, थोड़ा चेंज कर देता हूं इसे, ए प्लस बी अब दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 7
एंड AB का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, रूट में भी आ सकता है इसका आंसर, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आंसर आपका होल नंबर में ही आए, ठीक है, या फिर इंटीजर में आए, रूट में भी इसके आंसर आएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक और हमारा आइडेंटिटीज है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर हमने लिखा, अगर a प्लस बी हमें पता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, अगर a प्लस बी हमें पता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा, माइनस 2ab होगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना हो और a प्लस बी हमें पता हो तो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, a प्लस बी भी दिया रहेगा और साथ में आपको ab भी दिया रहेगा। और दूसरा, अगर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बताओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के रूप में लिखना, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये आपके रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ ए प्लस बी इक्वल टू 10 एंड ए बी इक्वल टू 3। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बस अब ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसे यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे यूज करेंगे, इसे यूज कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 100 और ये कितना आ जाएगा 6, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 94, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 94 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये फर्स्ट वाले पे बेस्ड था। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जो इस पे बेस्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ ए माइनस बी, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 9, ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू 4, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये इसे यूज करना है हमें। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ये कितना हो जाएगा, 89 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 89, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 89, ये आपके क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 89 होगा। अब इस दोनों रिजल्ट पे, यानी इस दोनों रिजल्ट पे मैं टोटल 6 क्वेश्चन देता हूं, 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड होगा और 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड होगा, उसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ ए प्लस बी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू 5. सेकेंड नंबर ए प्लस बी इक्वल टू 11, ए बी इक्वल टू 12. ए प्लस बी इक्वल टू 17, ए बी इक्वल टू 13. ये आपका ए प्लस बी वाले जो रिजल्ट है उसे यूज करके बनाना है. फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ए माइनस बी वाले रिजल्ट पे देता हूं, इस पे भी तीन क्वेश्चन देता हूं. ए माइनस बी इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू 7, ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 8, ए माइनस बी इक्वल टू 9, ए बी इक्वल टू 7. ये 6 क्वेश्चन बनाने हैं जो दोनों इससे पहले मैंने अभी जो रिजल्ट बताया उसी पे बेस्ड है. अब इसके बाद जो भी एक्सपेंशन हमारा है, जो एक्सपेंशन है यानी जो नेक्स्ट एक्सपेंशन हमारा जैसे a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारे एक्सपेंशन मैं दूसरा जो हमारा क्लास होगा उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा. बाकी जो अभी तक मेरे एक्सपेंशन बताए हैं उसपे आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसे ट्राई कीजिए, बनाइए. जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसे आप जिज्ञासा ऐप पे चैट के माध्यम से या फिर स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बना के मैं आपको भेजूंगा.